चर्चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये ओजस्वी पंक्तियां श्याम नारायण पांडे के द्वारा हल्दी घाटी नामक पुस्तक में उस महापुरुष के लिए लिखा गया, उस वीर पुरुष के लिए लिखा गया जिसका वर्ष 2024 में 484वीं जयंती मनाई जा रही है। ये पंक्तियां उस महापुरुष को समर्पित हैं जो 81 केजी का भाला चलाता था, और उसका भाला जिस पर चल जाता था वो चला जाता था, यानी उसका भाला के वजह से भला हो जाता था। वो महाराणा प्रताप थे जिनके कवच का वजन भी बताया गया कि 72 केजी था। भाला ढाल उनकी तलवार इन सब का वजन 2 क्विंटल से ऊपर हो जाता था। उनका स्वयं का वजन 100 केजी से अधिक था, लेकिन सबसे अधिक वजनदार था तो महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। घास की रोटियां खाई लेकिन कभी अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं किया, कभी आन बान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए आज दुनिया का हर मां बाप अपने बेटे का नाम महाराणा प्रताप रखता है अगर उसके बेटे का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन हुआ तो। जी हां, आज जिस महापुरुष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उनको महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया, जिनके बचपन का नाम था कीका। और महाराणा प्रताप का जन्म ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था तो आप कहेंगे कि 9 मई 1540 को कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ के किले में हुआ था इनका जन्म। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, और आज अक्षय तृतीया है 10 मई 2024 को। इसलिए राजस्थान के विभिन्न राजपुताना संगठनों के द्वारा आज ही इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा था अक्षय तृतीया 22 मई को पड़ी थी। इसलिए वर्ष 2023 में इनकी जयंती 22 मई को मनाया गया, यानी जिस दिन अक्षय तृतीया होती है उसी दिन इनकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास अक्षय तृतीया के दिन ही इनका जन्म हुआ था। कहां पर? कुंभलगढ़ के किले में। आइए इस महापुरुष के संदर्भ में और कुछ जो है बातें हम लोग जो है यहां से देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म जब जो है आपसे पूछे ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तो आप कहेंगे 9 मई 1540, और इनका जन्म स्थान तो आप बताएंगे कुंभलगढ़ का किला। और ये प्रश्न रेलवे में जो है पूछा भी जा चुका है। कुंभलगढ़ का किला बताने की जरूरत नहीं, राजस्थान की धरती पर स्थित है, आज भी है, जो कि सिसोदिया राजवंश का इतिहास, गौरवमय इतिहास की गवाही देता है। यानी बताने की जरूरत नहीं कि महाराणा प्रताप किस राजवंश से थे, सिसोदिया राजवंश से थे। महाराणा प्रताप के माता का नाम था क्या, तो आप कहेंगे जयवंताबाई। क्या नाम था? जयवंताबाई। और जयवंताबाई स्वयं जो है आज भी राजस्थान में स्थित है, राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है पाली, पाली की राजकुमारी थी, चौहान राजवंश से इनका संबंध था। जबकि इनके पिता का नाम महाराणा उदय प्रताप था। क्या नाम था? उदय प्रताप। और अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इनका राजवंश क्या था तो आप कहेंगे सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। यह वही सिसोदिया वंश है जिसकी स्थापना जो है हमीर राणा के द्वारा किया गया था। और जयवंताबाई और उदय प्रताप के पहली संतान के रूप में महाराणा प्रताप का जो है जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किला में, जिनका बचपन का नाम जो है कीका था। क्या नाम था? कीका। ये भी जो है कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। हमारा ये सेशन आपकी जानकारी के साथ साथ आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है फ्रेम किया गया है। आपसे पूछा गया कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका। लेकिन अगर जो है आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो है कीका किस जनजाति के लोगों के द्वारा जो है दिया गया था, तो आप कहेंगे कि भील जनजाति के लोगों के द्वारा जो है दिया गया। भील जनजाति, जिनको कि हम लोगों के यहां उनको बनवासी या फिर जो है मुसहर कहा जाता है,
भील जनजाति के लोग छोटे बच्चों को कीका कहते थे और महाराणा प्रताप का बचपन भी भील जनजाति के बच्चों के साथ जो है बिता और उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इनको कीका नाम जो है दिया गया था, जिसको कि राजस्थान की किसी जो है परीक्षा में वहां पर सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। महाराणा प्रताप के बारे में और कुछ बातें जो है आपसे पूछी जाती है, जैसे अभी मैंने बताया कि इनका राजवंश कौन सा था, तो आप कहेंगे सिसोदिया राजवंश था। कौन सा? सिसोदिया राजवंश। और इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो जो है आप कहेंगे राणा हमीर प्रताप। राणा हमीर प्रताप जो है सिसोदिया राजवंश के जो है संस्थापक थे। इनके राजवंश का नाम लेते हुए श्याम नारायण पांडे ने लिखा भी है कि जागो सिसोदिया के सपूत राणा के वीर बबर जागो। तो सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के साथ साथ उनका घोड़ा जिसका नाम था चेतक, एक जानवर होकर के भी अपनी स्वामी भक्ति और देशभक्ति के लिए अमर हो गया चेतक। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में जब चेतक घायल हो गया था, मानसिंह जो कि अकबर का सेनापति था, मर्दाना नामक हाथी के हौद में बैठा था, चेतक उस हौद में जो है चढ़ गया था। मानसिंह की तलवार से जो है चेतक जब घायल हो गया था, महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे, तो इनको लेकर के चेतक जब जो है हल्दी घाटी के मैदान से बाहर निकलता है, 20 फीट लंबे जो है नाला को पार करते समय गिरा और वहीं गिर करके जो है पीर गति को प्राप्त किया। जो लोग गए होंगे राजस्थान चित्तौड़गढ़, आज भी उस जगह पर चेतक की जो है प्रतिमा लगाई गई है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद हल्दी घाटी की लड़ाई में कहा जाता है कि 7 हाथियां और 14 महावत लगाए गए थे इस हाथी को बंदी बनाने के लिए। अंततो गत्वा बंदी बना लिया गया और उसे जब आगरा में लाया गया तो राम प्रसाद 1 महीने तक जो है रह गया, लेकिन मुगल सल्तनत का जो है चारा और पानी जो है स्वीकार नहीं किया, कुछ नहीं खाया पिया। तभी अकबर ने कहा था कि जिस महापुरुष के जानवरों में भी इतनी स्वामी भक्ति है, राजभक्ति है, सच में उस मेवाड़ को इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और सही भी था, अकबर उन दिनों का सबसे सर्वशक्तिमान शासक था, जिसको चाहा उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, सिवाय महाराणा प्रताप जिन्होंने कभी अपने आन बान शान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। वो अलग बात थी कि जंगल की रोटियां खानी पड़ी, वो अलग बात थी कि महलों की जिंदगी छोड़ करके जंगलों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं किए। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक वैसे हुआ था 28 फरवरी वर्ष कब 1572 को, जब इनकी पिताजी की जो है देहांत हो गया। और पिताजी का देहांत हो गया तो 1572 से लेकर के और वर्ष 1597 तक जो है ये शासक की भूमिका में रहे थे। तो आपसे जो है पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? अगर कहाँ पूछा जाए तो आप फिर बताना कहाँ पर? कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप के संदर्भ में और सी जो है बहुत सारी बातें, लेकिन महाराणा प्रताप का अकबर के साथ जो है दुश्मनी क्यों हो गई, ऐसा क्या था? आपको जानकारी के लिए बता दें, मुगल सल्तनत का जो है सबसे ताकतवर शासक अकबर, अकबर जब आमेर का युद्ध किया, आमेर जैसा कि जो है आप जानते हैं जो आज जयपुर शहर है, कौन? जयपुर। जयपुर को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? आमेर के नाम से जाना जाता था। और आमेर के उन दिनों शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भारमल। क्या नाम था? भारमल। भारमल को जो है बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता था, बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता था। और बिहारी मल की जो बेटी थी जिनका नाम था हीर कुंवर। क्या नाम था? हीर कुंवर। और अकबर महोदय जब कभी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जो है कहा जाता है कि जा रहे थे, तो उन्होंने आमेर से होकर ही जा रहे थे, तो कुछ समय के लिए आमेर में ये रुके थे।
और हीर कुंवर को देख लेने के बाद फिर इनका इरादा बदल गया था और इसी वजह से आमेर की लड़ाई हुई। अकबर वाकई महान व्यक्ति थे, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने इतिहास पढ़ाया तो बताया वो इतने बड़े महान थे कि जिस गुरु ने बैरम खान ने उनको अपने बेटे की तरह उसका परवरिश किया, जिस अकबर का बैरम खान की हत्या अकबर के द्वारा ही कराई गई ये दुनिया जानती है। और उसके पीछे वजह क्या था, बैरम खान की पत्नी जिनका नाम था सलीमा, अकबर महोदय सलीमा से शादी करना चाहते थे और इसीलिए बैरम खान को जो है रास्ते से हटा दिया गया था। तो वाकई महान व्यक्ति थे, महानता कूट कूट करके भरी थी, बताने की जरूरत थी। उसी सलीमा के पुत्र हुए जिनको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना गया या रहीम दास, हिंदी के बड़े विद्वान कवि हुए वो अलग बात थी। यहां देखते हैं हम लोग आमेर में, जब जो है आमेर की लड़ाई हुई, आमेर की लड़ाई हुई वर्ष 1561-62 में, 1561 में आमेर का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? भारमल और अकबर के बीच हुआ था। हालांकि युद्ध का कमान तब जो है भारमल का बेटा जिसका नाम था भगवान दास उसने संभाला और उसने अकबर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर के दरबार में रहने वाले इतिहासकारों ने लिखा कि भगवान दास ने, भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर से निवेदन किया कि हमारी बेटी से शादी कर लो। उस समय की बात छोड़ो, आज के समय में दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी का हाथ उस व्यक्ति के हाथ में देना चाहेगा जिसकी ऑलरेडी पहले से 3-3 शादियां थीं। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से हुई थी, रुकैया अकबर के चाचा हिंदाल की बेटी थी। अकबर ने दूसरी शादी की किससे, तो अपने ही गुरु जिनका नाम था बैरम खां, उनकी हत्या करके उनकी बीबी सलीमा से शादी की। और ऐसे शानदार व्यक्तित्व से अब भगवान दास अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, भारमल अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, लेकिन उन दिनों ऐसे शासकों के दरबार में रहने वाले इतिहासकारों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आज के मीडिया कर्मियों की, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। उस समय के इतिहासकारों की स्थिति भी बिल्कुल वैसे ही थी, जिसका खाते थे उसी का गाते थे। और विचित्र बात है कि उसी तथ्यों को अब हम लोगों के जो है पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया और एनसीईआरटी भी यही लिखती है कि नहीं, भारमल ने अकबर से निवेदन किया था कि हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। जबकि आप वास्तविकता के धरातल पर आकर के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, दाल में कुछ काला था। और दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली थी। वो अलग बात थी कि फरवरी 1562 में हीर कुंवर के न चाहते हुए भी अकबर के साथ उनकी शादी हुई और कहा जाता है कि वहीं से मामला बिगड़ा। हीर कुंवर ने ही जो है पत्र लिख करके, और उस समय मेवाड़ का जो राजकुमार थे जिनका नाम था महाराणा प्रताप, जिनको बचपन के नाम कीका के नाम से जो है जाना जाता था, उन्होंने पत्र कीका के नाम ही जो है भेजा था। और जाहिर सी बात थी वो नहीं चाहती थी कि जो है ये शादी हो, क्योंकि उन दिनों राजपुताना वंश, राजपुताना खानदान के लिए जो है एक कलंक था। और भगवान दास जो कि भारमल का बेटा था, हीर कुंवर जोधाबाई का सौतेला भाई था, तब पत्र का जमाना हुआ करता था, कछवाहा शासक था भारमल। आपसे पूछा भी जाता है किस राजवंश से संबंधित था, तो आप कहेंगे कि कछवाहा राजवंश से जो है संबंधित था। यह बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि आखिर अकबर में और राणा प्रताप में जो है इतनी दुश्मनी क्यों हो गई, यहीं से हुई थी। और कहा जाता है कि भारमल को भी पत्र लिख करके, तब पत्र का जमाना हुआ करता था और धमकी भरा पत्र भेजा गया कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। अकबर को भी पत्र लिखा गया था और वहीं से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये 36 के आंकड़े हो गए, जो समय के साथ 72 और 144 में जो है तब्दील हो गए थे। आप एनसीईआरटी उठा करके पढ़ें,
या राजस्थानी इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को जो है पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसी वजह से जो है उदयपुर का युद्ध हुआ था। उदयपुर की स्थापना महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप के द्वारा जो है किया गया था और ये युद्ध 1568 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था तो आप कहेंगे कि अकबर और जो है उदय प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच? उदय प्रताप के बीच हुआ था। लेकिन उदय प्रताप उस समय महाराणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, इसलिए उस समय के नियमों के अनुसार जब ऐसी लड़ाइयां होती थी तो हमेशा उत्तराधिकारी युद्ध के मैदान में यह साबित करता था कि अगर वक्त आएगा तो मैं सिद्ध करके जो है दिखा दूंगा कि नहीं मैं सल्तनत को अपने साम्राज्य का जो है सुरक्षा कर सकता हूं। इसलिए उदयपुर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने राजकुमार की भूमिका में जो है रहे थे, लेकिन उन्होंने ही जो है सेना का संचालन किया और इस तरह अकबर और महाराणा प्रताप की पहली मुलाकात उदयपुर के युद्ध में ही हुआ था। और उदयपुर के युद्ध में ही हुआ, वो अलग बात थी कि अकबर को अपनी औकात का एहसास हो गया तो सेना जो है हटा ली और उसके बाद जब जब लड़ाइयां हुई राजपूतों के साथ तो कभी भी युद्ध के मैदान में अकबर स्वयं नहीं आए। यहीं पर इनकी पहली मुलाकात हुई थी महाराणा प्रताप से, वो अलग बात थी कि उसका कोई जो है फाइनल डिसीजन जो है नहीं हो सका और फाइनल डिसीजन तो जो है कभी नहीं हुआ। और अंतिम मुलाकात इन दोनों के बीच जो हुई थी वो हल्दी घाटी के युद्ध में हुई थी। कब? हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया तो जून 1576 में लड़ा गया था। 1576 में किसके किसके बीच लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में अकबर स्वयं नहीं आए बल्कि मुगल सेना का जो है नेतृत्व, अगर जो है आपको बताएं कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया तो आप कहेंगे कि मानसिंह ने किया था। कौन? मानसिंह। मानसिंह वही भगवान दास का जो है बेटा था और दूसरे इनके जो है सेनापति थे जिसका नाम था जो है आसफ खां। जबकि अगर जो है पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की सेना का जो है नेतृत्व किसने किया तो आप कहेंगे हकीम खां। कौन? हकीम खां। सूरी इनका पूरा नाम था और ये मुसलमान होकर के भी महाराणा प्रताप की जो है सेना का संचालन किए, सेनापति थे। ऐसा क्यों? परीक्षाओं में पूछा गया कि महाराणा प्रताप का सेनापति जो कि हल्दी घाटी की लड़ाई में राजपूत सेना का नेतृत्व किया था किस राजवंश से संबंधित थे तो ये शेरशाह सूरी के राजवंश से संबंधित थे। शेरशाह सूरी जिसने कुछ समय के लिए मुगल सत्ता को भारत से समाप्त कर दिया था, उसी शेरशाह सूरी का बेटा था जिसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। और मैं पढ़ाया तो आपको बताया था उसी सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके और हुमायूं ने भारत पर पुनः मुगल वंश की स्थापना कर ली। और उसी सिकंदर शाह सूरी के पुत्र का पुत्र था ये व्यक्ति जिसका नाम था हकीम खान सूरी, जो कि इसी वजह से मुगलों से जो है नफरत करता था और उस समय मुगल सत्ता को सबसे अधिक चुनौती कोई दे रहा था तो महाराणा प्रताप, इसलिए महाराणा प्रताप से उसने हाथ मिला लिया और हल्दी घाटी की लड़ाई में जो है उनकी सेना का संचालन किया था। महाराणा प्रताप के पास उस समय बताया जाता है कि सैनिकों की संख्या 20,000 रही थी। कितनी? 20,000। लेकिन अकबर के सेना में सैनिकों की संख्या ठीक इससे जो है 4 गुनी थी और वो कितनी? 80,000। मानसिंह जो राजपूत होकर के भी अपना आन बान मान स्वाभिमान सब कुछ जो है गिरवी रख दिया, क्योंकि कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, अपनी जमीर भी गिरवी रख देते हैं। मानसिंह उसी में से जो है एक रहा था। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि फिर जो है हल्दी घाटी में आए, इसीलिए जो है उन्होंने मानसिंह को भेजा था। मानसिंह उनका सेनापति था, तब सेनापति को मीर पक्षी कहा जाता था। और ये लड़ाई हुई, शानदार लड़ाई हुई जिसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया कि नहीं, महाराणा प्रताप चूंकि युद्ध के क्षेत्र से जो है उनको भागना पड़ा क्योंकि उनका घोड़ा चेतक जो है घायल हो गया था, जिसके बारे में श्याम नारायण पांडे ने लिखा था कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
इसी वजह से उनको चेतक के घायल हो जाने की वजह से जो है उनको युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, निकल जाना पड़ा। और इस तरीके से इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं, इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए, जबकि हकीकत था कि यह युद्ध अनिर्णित रहा था, क्योंकि उसके बाद भी जो है ये मेवाड़ इन्हीं के जो है कब्जे में रहा था, मेवाड़ इन्हीं के कब्जे में रहा, मेवाड़ के ये शासक रहे। वो अलग बात थी कि अब राजधानी जो है चित्तौड़ या उदयपुर नहीं, बल्कि जो है इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की, तो जो है आप कहेंगे चावड़। कहां पर? चावड़। आज भी राजस्थान में जो है ये जगह पड़ती है चावड़, जहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि जंगल की रोटियां खानी पड़ी, दर दर भटकना पड़ा, लेकिन स्वामी भक्ति का जो है मिसाल पेश किया झाला सरदार, जिसने अपने प्राणों की आहुति दे करके हल्दीघाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। भामाशाह, जिसने जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया महाराणा प्रताप की दोबारा सेना जो है खड़ा करने के लिए। लोहार वंश के लोगों ने इनके लिए पुनः जो है सेना और जो है हथियारों का प्रबंध किया, और मेवाड़ का बहुत सा क्षेत्र जो है इन्होंने पुनः प्राप्त करने में जो है कामयाब भी रहे थे। इसीलिए राजा टोडरमल को, मान सिंह को, भगवान दास को जैसे लोगों को अकबर ने कई प्रस्ताव जो है भेजा था कि राणा हमारी आधीनता स्वीकार कर ले। कहा जाता है टोडरमल को जो है भेजा गया था इस प्रस्ताव के साथ कि अगर जो है महाराणा प्रताप अकबर की आधीनता स्वीकार कर लेंगे तो उनको राज दरबार में सबसे अधिक मनसब दिया जाएगा और मीर बख्शी का पद दिया जाएगा। महाराणा प्रताप ने उसका जवाब दिया कि अकबर हमारी आधीनता स्वीकार कर ले तो उसको हम अपने दरबार में नौकर का जो है पद प्रदान करेंगे। ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे महाराणा प्रताप। वो अलग बात थी कि शिकार करते समय जो है ये घायल हुए, और 19 जनवरी 1597 को जो है इनका देहावसान हुआ। हल्दीघाटी की लड़ाई, जिसको कि मैंने अभी बताया था आपसे, कब हुआ था? जून 1576 में हुआ था। और किसके किस बीच हुआ था? आप कहेंगे कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, महाराणा प्रताप के बीच हुआ। लेकिन इस बात को जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अकबर युद्ध में के मैदान में जो है गया ही नहीं था, बल्कि मुगल सेना का नेतृत्व जो है किसने किया? तो इनका जो है सेनापति, इनका सेनापति रहा था कौन? हकीम खां। हकीम खां, और हकीम खां सूरी, जिसका पूरा नाम था शेर शाह सूरी का जो है ये वंशज था। सॉरी, अकबर के सेनापति जो है मानसिंह थे, मानसिंह और आसफ खां, मानसिंह और जो है आसफ खां, जबकि महाराणा प्रताप के जो है सेनापति का नाम जो है हकीम खां था, हकीम खां सूरी। और ये जो कुछ भी हुआ, टाइम्स मैगजीन ने भारत की धरती पर महाभारत के बाद सबसे अधिक धनजन की हानि वाला इसको जो है दूसरा युद्ध के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की तरफ से जो है 17,000 लोग मारे गए, जबकि महाराणा प्रताप ने भी अपने 7,000 सैनिकों को खो दिया था। वो अलग बात थी कि हल्दीघाटी की लड़ाई अनिर्णित रही थी। हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि नहीं, महाराणा प्रताप जो है पराजित हुए थे, तो पास होने के लिए, परीक्षाओं को पास करने के लिए आप भी जानिए कि वो पराजित हुए थे। लेकिन भारत का इतिहास जो लिखा गया उसमें कई ऐसे मौके आए जो हकीकत थी वो बताया नहीं गया, जो बताया गया हकीकत से वो बहुत दूर था, दूर दूर तक उसका कोई वास्ता ही नहीं था। तो यह रहा था महाराणा प्रताप से संबंधित जो है कुछ तथ्य। मैंने बताया कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप शिकार खेलते समय 56 वर्ष की उम्र में जो है घायल हुए और इस दुनिया को अलविदा कहा। महाराणा प्रताप, जिनके बारे में जो है कहा गया कुछ तथ्य, और हालांकि पूछा नहीं जाता है, इनकी कुल 11 शादियां थी। कितनी? 11 शादियां थी, और उन दिनों के नियमों के अनुसार, उन दिनों का जो है ये परंपरा हुआ करती थी, 11 शादियां थी। महाराणा प्रताप खुद ही अपने पिता के 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे।
उदय प्रताप सिंह के कुल 33 संतान थी, जिसमें 25 लड़के और 8 लड़कियां थी, और उनमें सबसे बड़े थे महाराणा प्रताप। अगर महाराणा प्रताप की बात किया जाए तो इन 11 शादियों से जो है इनके कितने बच्चे थे, तो आप कहेंगे कि इनके कुल 22 बच्चे थे, और इन 22 में जो है 17 जो थे वो लड़के थे, और इनमें जो 5 थे वो जो है क्या लड़कियां। अगर जो है आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो आप कहेंगे अमर प्रताप सिंह। कौन? अमर प्रताप सिंह। अमर प्रताप सिंह महाराणा प्रताप के जो है प्रथम पुत्र थे, और इनकी पहली पत्नी जिनका नाम जो है अजाबदे पवार था, अजाबदे पवार से इनकी पहली शादी हुई थी 1557 में। उसके बाद जो है 10 और शादियां हुई, लेकिन अजाबदे पवार और महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे जिनका नाम था अमर प्रताप सिंह। अकबर पूरी जिंदगी लगा रह गया, लेकिन जिस मेवाड़ को प्राप्त नहीं कर पाया, जिस महाराणा प्रताप को प्राप्त नहीं कर पाया, उस महाराणा प्रताप के पुत्र ने अपने पिता की कमाई हुई जो है इस शोहरत को एक पल में ही मिट्टी में मिला दिया। और जहांगीर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में वर्ष 1615 में अमर प्रताप सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस तरह वर्ष 1615 में मेवाड़ भी मुगलों के अधीन हो गया था। बहरहाल आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले क्लास में। इस तरह का जो सेशन मैंने शुरू किया है आपकी परीक्षाओं के लिए कितना उपयोगी है, जानकारी के लिए कितना अच्छा है, आप कमेंट में जरूर जो है लिखा करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक जो है दूसरे ग्रुप में अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।